चले जय हिंद। तो इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्वेश्चन आंसर, ये जो मैं गेस करने वाला हूं क्वेश्चन आंसर एग्जाम से पहले, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू आने वाला है, ठीक है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को समझिएगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके लिए, सबसे पहला क्वेश्चन इस बार जो आने वाला है, जैसे आपको मालूम है कि 10 क्वेश्चन दिया जाता है और आपको बनाना 5 रहता है, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन कौन सा है, ध्यान दीजिएगा। हाउ आर ऑटम, हाउ आर ऑटम एंड समर एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग। इस क्वेश्चन को आप पक्का देखकर जाएंगे एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम आपका क्वेश्चन आंसर ही है। बट इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें से आपका पक्का 6 से 7 क्वेश्चन डायरेक्ट हूबहू एग्जाम में मैच करने वाला है, ठीक है ना। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, तो हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, ये आपको हम बताते हैं कौन चैप्टर का है और टू ऑटम का है, कैसे, मतलब ये क्वेश्चन हम यूट्यूब पर भी ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। कैसे ऑटम और समर, जो समर है वो स्प्रिंग सीजन से रिलेटेड है। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज एन एपिटाफ, व्हाट इज एन एपिटाफ, ओके, व्हाट इज एन एपिटाफ, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, थर्ड जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब आप जब पढ़े होंगे स्नेक तो आपको मालूम होगा कि स्नेक कैसे पानी पिया, ठीक है ना। अच्छा, थोड़ा सा बाबू मेरा गला जो है वो वर्क प्रॉपरली नहीं कर रहा है, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस देखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डज द फायर फॉरगेट, ध्यान दीजिएगा, फॉरगेट इट्स डेड, ये सभी क्वेश्चन आपको देख कर जाना है, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन हूबहू आपके एग्जाम में छपने वाले हैं, ठीक है ना, बिल्कुल छपने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर्स डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर्स, ठीक है ना, लग्जरी एंड प्लीजर। इतना क्वेश्चन अभी हुआ, 1 to पहला हाउ आर ऑटम एंड समर रिलेटेड टू स्प्रिंग, और टू ऑटम का है, कैसे रिलेटेड है। दूसरा, व्हाट इज एन एपिटाफ, एपिटाफ क्या है, और हाउ डिड द स्नेक ड्रिंक वाटर, इन व्हाट सेंस डज द फायर फॉरगेट इट्स डेड, व्हाई डिड आवर एंसेस्टर डिसवेड अस फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लीजर। अच्छा जी, आगे देखिए, इतना का स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके प्रीवियस ईयर में भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ है और आने का भी पॉसिबिलिटी 99% है। आगे क्वेश्चन देखिएगा बाबू, नेक्स्ट,
हाउ डीड सेविज, हाउ डीड सेविज फादर, देखिएगा, रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट। ओके, ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट, कि हाउ डिड सेविज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, मतलब सेवी के पिताजी ने टीचर के कंप्लेंट पर क्या किया, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अच्छा जी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी फॉर ए यंग स्लीपी वुमन। ठीक है बाबू, ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और हम बता देते हैं, जरा सुनिएगा, सुनते रहिएगा। व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रो, व्हाट, सुनिए ध्यान से, व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ नेग्रो, यानी नेग्रो के बारे में ये क्या बताते हैं। ठीक है, अगला ध्यान से देख सुनिएगा, व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है ना, व्हाट आर द ड्रामेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ए ट्रेजेडी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट जॉन डन वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। सुन लीजिए फिर से, व्हाई डज द पोएट जॉन डन वॉन्ट टू गो अवे फ्रॉम हिज बिलव्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ठीक है, फिर से सुनिए, हाउ डज, ठीक है ना, ये जो आपके चाइल्ड इज बॉर्न जो आप चैप्टर पढ़े होंगे, आप पक्का सबको याद होगा ये सब क्वेश्चन, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपको बहुत बार बताया गया है। हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटीज। ठीक है, अच्छा, ये भी पूछा जा सकता है ट्रू होम रूल के बारे में, जो आप पढ़े हुए हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इन द पोएम एन एपिटाफ, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। इन द पोएम एपिटाफ, व्हाट विल हैपन व्हेन द पोएट डाइज। ठीक है ना, अच्छा, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी हम बता देते हैं। Why is McAfee termed as a criminal? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना बाबू लोग। अच्छा, अगला क्वेश्चन, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर या लैंग्वेज इन आवर डेवलपमेंट। ये आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड का है, कि व्हाट वाज द रोल, ये रोल पूछा जा रहा है। ठीक है ना, फायर या लैंग्वेज और इन आवर डेवलपमेंट, हमारे डेवलपमेंट में क्या इसका रोल था। ठीक है, व्हाई डिड द फायर हाइम से टू द स्पीकर। व्हाई नहीं होना चाहिए, व्हाट होना चाहिए। व्हाट डिड द फायर हाइम से टू द स्पीकर। ये इट इज द राइट क्वेश्चन। ठीक है ना, अच्छा, ये सब आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपको याद करना ही होगा, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन छपने वाला है। ठीक है, अच्छा, व्हाई वाज लेमोव अनेबल टू स्पीक अबाउट मैरिज, ये भी पूछा जा सकता है, मतलब मैरिज प्रपोजल से। और व्हाट कंटेस्ट डॉक्टर जाकिर हुसैन से इन भारत इज माई होम, ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, ये भी आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है।
ठीक है ना। तो इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन आपको याद रखना होगा, ऑन व्हाट ओकेजन डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर द स्पीच, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको याद करना ही होगा, जो हमने अभी बोला है, जो कुछ क्वेश्चन लिखाए हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। तो कितने क्वेश्चन आपको याद हैं ये भी कमेंट करके हमको बताइएगा, ठीक है। ये सभी के सभी क्वेश्चन आपके बुक में दिए होंगे, हमको नहीं लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम लिखने में हो, ठीक है ना। चलिए एक और वीडियो के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।